कि स्टार्टिंग में तो मेरा बीपी बहुत हाई रहता था कि हे भगवान मुझे घर पहुंचा दे एक बार। अच्छा, क्योंकि तो, मनूव करना है इसको है। हार्ली चलाते थे, लो राइडर 114। हाँ, जो आपके पास इंजन था वो बड़ा शानदार इंजन था, बड़ी शानदार पावर थी और बाइक भी बहुत बड़ी थी, हेवी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बाइक के बाद क्रूजर के बाद एडवेंचर पे शिफ्ट होके कैसा फील हुआ? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा एक ड्रास्टिकली चेंज आया था। So, good afternoon guys, my name is Vishal. So, ये इंद्रदीप भैया हैं। Hi भैया, कैसे हैं आप? Hi Vishal, how are you? All well भैया। तो भैया की बाइक है BMW की 850 GS और भैया ने ब्रांड न्यू परचेज करी थी और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बाइक पे क्लॉक किया है। समझ रहे हैं, 14,000 चल चुके हैं। 14,000 मैं चला चुका हूं भाई। तो कैसा एक्सपीरियंस भैया इस बाइक का? मेरा जो एक्सपीरियंस भाई जब से ये बाइक ली है ना, बहुत एक अमेजिंग सा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ADV बाइक, बिल्कुल ऊपर से जो मैं चलाता था पहले हार्ले और उसके बाद ADV पे स्विच करना भाई ऐसे, ऐसे तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। अब मैं इसकी बात बताना चाहूंगा, दो कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। मेंटेनेंस तो जो मेंटेनेंस मुझे पड़ी है इसकी लगभग 16,000 के आसपास पड़ी थी और कंपेयर टू हार्ले तो मेरे को बहुत चीप लगा कि हाँ ठीक है। और इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है और इसमें और भी बहुत कुछ है राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ। मेरा ये बताना चाहूंगा जैसे कि मेरी हाइट है 5'6", तो 5'6" के हिसाब से एडिक्वेट हाइट के हिसाब से ये बाइक है और मेरे पैर भी अच्छी तरह पहुंच जाते हैं जब राइडिंग के टाइम। अच्छा। और इसको सैडल करते हुए भी मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वैष्णो देवी की एक मैं राइड कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर क्लॉक कर चुका हूँ इसमें एक बार, तो मेरे को कहीं भी हैसल नहीं हुआ। और विद पिलियन, मैंने पिलियन भी बिठाया, लगेज भी लोड करा, मेरे को इवेंचुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑन एन एवरेज वाइज एवरेज ही मुझे बाइक ने बहुत ज्यादा अच्छी दी है, अराउंड 22-23 किलोमीटर पर लीटर। बहुत बढ़िया, 15.5 लीटर की इसकी टंकी है पर फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारा। आपको ये बाइक समवेयर अराउंड जब आपने 2023 के अंदर ये ब्रांड न्यू परचेज की, कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड? मेरे को ये पड़ गई थी 15-40 की, प्लस इसमें 2-1 लाख रुपए का आपने सामान लगा दिया। कुछ मैंने सामान लगाया था इसमें, लोडिंग्स मैंने काफी कर दिया, हेपको पिकर का जैसे मैं बताना चाहूंगा, गार्ड्स लगा रखे टॉप एंड लोअर इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैवरिक के लगा रखे हमने साइड पैनियर्स, क्यों? ताकि सॉफ्ट लगेज इस पे लग सके, कैरी कर सके आप। तो और इसमें था एक बाग बस्टर लगे हुए हैं, बाग बस्टर्स मैंने लगा रखे हैं इवेंचुअली, प्लस में फोक प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, फोक प्रोटेक्टर्स भी मैंने लगा रखे हैं। और आपने इसमें आई गेस रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल है, रेडिएटर ये अभी स्टॉक है, ये स्टॉक है। डेनाली का मिनी बॉम मैंने इंस्टॉल कर रखा था इसमें, जीवी का बैश प्लेट हो गई। ये बैश प्लेट की क्या प्राइसिंग आती है? बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है ये, इसकी मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी मुझे। चलो ये भी बढ़िया है। और ये आपने हेडलाइट प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, हेडलाइट प्रोटेक्टर है, ये वुंडरलिश का है, वुंडरलिश का है। इसके साथ साथ एक और चीज बताते हैं यार, टैंक रिंग। अच्छा, टैंक रिंग लगाया हुआ है टैंक बैग के लिए, टैंक बैग के लिए। ये भी जीवी का ही है, ये भी जीवी का। और शार्ड का ये टॉप बॉक्स आपने, टॉप बॉक्स के लिए अभी केस है तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा है नहीं तो एक टॉप बॉक्स भी अवेलेबल है। उस टाइम पे भी आप हार्ली चलाते थे, लो राइडर 114। हाँ, जो आपके पास इंजन था वो बड़ा शानदार इंजन था, बड़ी शानदार पावर थी और बाइक भी बहुत बड़ी थी, हेवी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बाइक के बाद क्रूजर के बाद एडवेंचर पे शिफ्ट होके कैसा फील हुआ? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा एक ड्रास्टिकली चेंज आया था। अच्छा, एक डिफरेंट जॉनर हो गया, बहुत लोगों से मिला मैं जो एडवेंचर कैटेगरी के जितने भी राइडर्स थे, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और BMW का जो एक्सपीरियंस है वो मिला। उसके बाद अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है जो BMW का जो ऑफ रोडिंग कैंप होता है उसे, मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं उसे, तो वो चीज का नहीं मिला है मौका मुझे अभी तक। पर हाँ, सून मैं ये वाला भी चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और ट्रेनिंग लूंगा इसके साथ, बिल्कुल ऑफरोडिंग के लिए। सो भैया, उस टाइम पे टाइगर भी आती थी, 900 आती थी, 900 GT आती थी, रैली प्रो आती थी, कभी टाइगर के बारे में नहीं सोचा आपने लेने? टाइगर 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 तो टाइगर के लिए मैं गया था ट्रायंफ के शोरूम में जो उस टाइम गुड़गांव में था। उस टाइम क्या हुआ कि मेरे को आउट ऑफ बजट भी लग रही थी बाइक, उस टाइम 900 आई थी, तो 900 के कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा अच्छी है मुझे तो लगी, क्योंकि इसके अंदर आपको टायर साइज बढ़िया मिल जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मेरे साथ 21 इंच का व्हील साइज है इसमें फ्रंट का, बिल्कुल, और 17 का रियर है, 17 रियर। प्रोफाइल बहुत अच्छी है, टायर की लुक्स बड़ी है, माचो लगती है बाइक, प्लस इसके अंदर आपको पूरा डिफरेंट डिस्प्ले मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, एक हमने ये बताना भूल गया था ये पार्ट भी लगाया हमने ताकि रेन रेन हेल्प करे, प्लस के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाती है, तो सारे मेरे साथ। और इसमें मेरे सबसे सस्पेंशन भी रियर वाला इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऑलमोस्ट GS 1250 वाले सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जितने भी ऑडियंस है, एक चीज और बताना चाहेंगे, इसमें जो एयर सस्पेंशन भी है
जो है इसके अंदर एयर सस्पेंशन है बेसिकली। अच्छा, तो हम ऑन द गो अगर कोई पिलियन बैठा है तो, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो लगा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसकी हेल्प के थ्रू हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर लगे ज्यादा हो जाए। इट्स हेल्प भी, वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। हाँ मुझे हेल्प करता है, पर हाँ 5-6 के हिसाब से नहीं हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि पैर फिर ऐसे हो जाते हैं। समझ गया। क्योंकि वो बहुत ऊंची हो जाती है, बहुत ऊंची जाती है। बिल्कुल। इस बाइक की हाइट के लिए आपने इसमें कोई लोरिंग किट लगाई है या कोई लोरिंग सीट लगाई है, ऐसा कुछ? डॉग बोन कभी छेड़ी नहीं है, एज इट इज स्टॉक है, पर बहुत मजे आ रहे हैं मुझे इसके साथ। भैया हार्ले के बाद आपके इस पे अपग्रेड किया, आपने कहा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये बाइक किन लोगों को लेनी चाहिए? जो जो लोग एडवेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा लॉन्ग टूरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, अगर जिनका बजट ऑलमोस्ट इसके जितना है, 16 लाख तक है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट बाइक है ये। मतलब आपका एक्सपीरियंस के इस बजट में ये बेस्ट ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन है। और हाइट वेट के हिसाब से भी मेरा मानना यही है, उसके हिसाब से सबसे अच्छी यही है। हाँ ये अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसा है 1250 लेना भी चाहेंगे तो थोड़ा टेस्ट राइड लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, तो जाके उस पर इन्वेस्ट करना, नहीं तो भाई सबसे बेस्ट यही है। ये बाइक किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए आपके सजेशन से? सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिनके पास 390 एडवेंचर है या 390 एडवेंचर नहीं है, वो अभी अपग्रेड कर रहे हैं एडवेंचर के लिए, और एकदम से हॉप ऑन अगर इस बाइक पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बंदा चला नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि वो एक साल आधे साल में सीख नहीं सकता वो बाइक, पर फिर भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो बाय स्टेप बाय स्टेप चले तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे हिमालयन कैटेगरीज की आ गई है, 390 है, तो इन पे अकॉम्प्लिश करके अगर इस पे जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि अगर किसी ने परचेज कर ली, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी बाइक के पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो फाइनेंशियली भी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि पार्ट ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है नॉर्मल बाइक के कंपेयर। बिल्कुल बिल्कुल, इससे एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो इस बाइक को कोई आपका ब्रेकडाउन का कोई सिनेरियो, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी तक? भगवान की तरह से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी जस्ट मैंने टायर चेंज कराए हैं इसके। और टायर कितने के पड़े भैया? इसमें मेटजिला डाले हुए हैं। दिस इज कारू 3। हाँ, ये टायर बहुत बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दिस इज 70% रोड एंड 30% इज ऑफ रोडिंग। तो ये कितने का पेयर पड़े भैया? मेरे को ऑलमोस्ट 52 का। 52 का पेयर तो हार्ले के कंपैरेटिवली मतलब बराबर सा ही कह सकते हैं। बराबर ही है, मतलब हाँ ये दोनों एक चीज रही है जो बिल्कुल बराबर रही है दोनों में। अच्छा, तो इस बाइक को लेने के बाद जैसे कि हम सारी चीजें बात कर रहे थे, कोई और कोई मेजर प्रॉब्लम आपको आई हो? नहीं, मेजर प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं आया है। हीटिंग इश्यूज भी बहुत, एक आधी बार मुझे हैवी ट्रैफिक में आया है, और बस इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं आया है। कोई आपको प्रॉब्लम क्लीन रही है जर्नी? और हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुआ है, डेजा चू हुआ है कि जैसे अगर मेरी हाइट है 5'6" और हम ट्रैफिक में चला रहे हैं, हैवी ट्रैफिक जैसे दिल्ली बैंगलोर एंड ऑल सिटीज में ट्रैफिक बहुत हो जाता है पीक आवर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम में, तो कई बार कम्यूटर बाइक्स बिल्कुल साथ साथ आके चिपक जाती हैं, जाती हैं, तो कई बार घबराहट हो जाती है कि हम उसको मनूव कैसे करें, क्योंकि पैरों की वजह से भी एक प्रॉब्लम आती है कि, और उसको काटना भी। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि स्टार्टिंग में तो मेरा बीपी बहुत हाई रहता था कि हे भगवान मुझे घर पहुंचा दे एक बार। अच्छा, क्योंकि मनूव करना इसको है, टास्क है। और हिल्स पे कैसे एक्सपीरियंस रहा भैया इसका? हिल्स पे बहुत अमेजिंग रहा, तो वहां पे कैसे एक्सपीरियंस रहा इसका? हिल पे बहुत अमेजिंग रहा, विद पिलियन विद लगेज कोई इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम कोई पावर लैग करने में कुछ ऐसा नहीं, या कोई हीटिंग इश्यूज कोई ऐसा को? नो, कोई इशू नहीं आया। अच्छा, तो चलो ये भी चीज सॉर्टेड है। तो इसके अलावा इसके आपने बताया कि सर्विस में आपके 16,000 रुपए लगते हैं। हाँ, तो सर्विस बेसिक सर्विस होती है कुछ, उसमें अलग से ऐड ऑन हुआ था? ऐड ऑन नहीं हुआ था अभी, कुछ बेसिक सर्विस थी, तो थोड़ी ज्यादा नहीं लगी आपको 16,000 रुपए? नहीं, वो आप उसको हार्ली चला रहे तो हार्ली से कंपेयर गया तो कुछ खास नहीं लगा मुझे। हाँ, तो अभी इसने 14,000 पे आप इसकी कितनी सर्विस करा चुके हो? मैं इसकी एक अभी सेकंड सर्विस हो चुकी है। नेक्स्ट सर्विस कब होगी? नेक्स्ट सर्विस है 20,000 पे। 20,000 पे, मतलब 10,000 किलोमीटर का इंटरवल है। हाँ, क्या बात है। और 16,000 की सर्विस, एक साल में एक सर्विस होगी फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा जरूरी नहीं कि 16,000 ही हो सकता है, वो 14 भी जा सकता है, 13 भी जा सकता है, इसके ब्रैकेट के बीच में ही रहता है। टाइम भी थोड़ा मैटर करता है उस चीज को लेके। टाइम भी मैटर करता है इवेंचुअली। अगर कुछ सबको बताइए कि अगर इवेंचुअली कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा आता है, वो एक एक्स्ट्रा पेएबल चीज है, दैट्स इट। कोई डिस्क पैड को लेके इसमें आपने कभी एक्सपेंस खर्च किया अभी तक? अभी डिस्क भी नहीं चेंज किया मैंने। डिस्क पैड भी नहीं चेंज किया? डिस्क पैड भी चेंज नहीं। क्या बात है, मतलब सही चल रहा है, 14,000 किलोमीटर चला दिए डिस्क पैड भी चेंज नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा प्यार से बाइक चलाते हो। बिल्कुल चला रहे हैं। अच्छा, और फीचर्स की बात करें तो भैया इसके ऊपर चाबी दिखाएंगे भैया? अरे हाँ, चाबी तो चाबी हमने दिखाई नहीं है। तो ये काइंड ऑफ अ फॉब है बीएम का, जो कि महंगी महंगी बाइक्स में भी आता है। महंगी महंगी बाइक्स पे आता है, एंड स्कोडा में भी ऐसा आता था फीचर, बटन दबा के
खुल जाती है, हालांकि चाबी लगती नहीं है, कीलेस है, कीलेस है। हाँ, तो इसको जस्ट पॉकेट में आपके पास चाबी होनी चाहिए और ये सेल्फ मार्क सेंसर बेस्ड, सेंसर बेस्ड है, सेंसर बेस्ड है। अच्छा, तो ये नई चाबी मेरे हिसाब से 28,000 के आसपास की है। संभाल के रखने वाली चीज है, इसमें पुश स्टार्ट बटन है यहाँ पे, जैसे कि जनरली गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है, वन टच में स्टार्ट हो गई। और ये कंसोल कितना प्यारा है इसका ना, एक बार इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पूरा मतलब कंसोल बता दे कि क्या क्या क्यों कैसे है, क्या इस टाइम हो रहा है। और ये हम बता नहीं पाए, हम दोबारा बताना चाहेंगे, दिस इज F850 रैली प्रो वर्जन, ABS प्रो वर्जन है बेसिकली। अच्छा, ABS प्रो वर्जन है। हाँ, जिसमें कि राइडिंग मोड्स भी काफी सारे होंगे, किस तरह से राइडिंग मोड्स में, जैसे हम यहाँ अगर फोकस करना चाहें तो बिल्कुल रोड रोड आ सकता है, डायनामिक है, दिस इज अ स्पोर्ट्स वर्जन, एंड्यूरो आता है स्पेसिफिकली हमारे ऑफ रोडिंग के टाइम में यूज आता है। फिर रेन, ऑब्वियसली पावर कट डाउन हो जाती है तो रेन मोड बहुत काम आता है बारिशों के टाइम में। आपने इसके सारे मोड्स यूज किए हैं? मैंने सारे यूज किए। मैं अमेजिंग पार्ट एक और बताना चाहूंगा सबको। हाँ, एक बार की कहानी है, मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा रखे थे मैट डॉग की लाइट्स, तो मैट डॉग की लाइट्स फुल हाई बीम पे कर रखी थी, स्टॉक लाइट हाई बीम पे कर रखी थी, तब भी मेरे को विजन क्लियर नहीं था, पर तब भी रेन मोड, क्रॉस विंड चल रही है, डार्क हो चुका है पूरा, रात का टाइम, फिर भी मैंने इसको 112 तक चला रखी है। क्या इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस विद लोडेड सामान लगेज। तो ये भी भैया मेरे हिसाब से ना सारे फीचर्स आपको GS 1250 वाले इसके अंदर मिल जाते हैं। हाँ, फिर भी आप अपग्रेड करोगे तो उस बाइक पे करोगे क्यों? उसके लिए एक रीजन ये है, एक तो मेरे फ्रेंड है बहुत खास, उनकी बाइक जो मैंने चलाई थी उसपे जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, 10 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, उसके बाद ऐसा लगा मैं कहाँ हूँ। GS 1250 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 1250 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कि ये क्यों चला रहा हूँ मैं, मेरे को क्यों अपग्रेड क्यों नहीं कर रहा। और फिर बॉक्सर इंजन में मिल जाता है, फिर सस्पेंशन में जो थर्ड होता है टेलीस्कोपिक होता है सस्पेंशन, वो मिल जाता है, मिल जाता तो है। ये कुछ रीजंस है उसको खरीदने का, रिलायबल बहुत है वो। रिलायबल बिल्कुल, मैं तो खुद बोलता हूँ BMW का मतलब बॉक्सर इंजन, बॉक्सर इंजन बहुत रिलायबल है, पंचियर बहुत है। जब मैंने चलाई दिल्ली के ट्रैफिक में मैंने चलाई थी, पंचियर बहुत है, और उसका तो मतलब इतना अच्छा पावर है कि थोड़ा सा क्लच छोड़ और व्हीली पॉप अप करने बिल्कुल बिल्कुल इतना। इसके साथ मैं एक और एड ऑन करता हूँ बात, सबसे जरूरी वो ये है कि 5'6" मेरी हाइट है, उसके साथ मैंने जब बाइक ट्रैफिक में चलाई थी, जब हम ट्रैफिक में अगर राइट फुट है या हमारा लेफ्ट फुट पे आता है तो मेरी जैसे हाइट के हेल्थ के हिसाब से बंदों पे घुटने पे असर आता है, बिल्कुल आता है। सो मेक श्योर अगर कभी अपग्रेड करना हो उस पे तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें, या तो आपकी फिजिक अच्छी हो या आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो ओवरऑल भैया मेरे आपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए और बहुत अच्छा लगा मुझे शूट करके, बहुत मजा आया और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। हाँ, तो अब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाइक के साथ ऑफ कोर्स। और ये बाइक अभी हम लोग सेल करने का प्लान कर रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड बायर हो, जेन्युइन बायर हो, कोई लेने का प्लान कर रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, हम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विद गुड प्राइस हम लोग ये बाइक सेल ऑफ कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और बाइक रिसेंटली सर्विस्ड है, टायर बैंड उड़े हैं, एक पैसे का काम नहीं, बस लेने और चलाने वाला कंसेप्ट है। यस, सो लास्ट ईयर ही मैंने अपना एक चैनल शुरू करा है, उसका नाम है बिली जी व्लॉग्स 44, सो एज वेल एज ऑन सेम नेम इंस्टाग्राम। बिल्कुल, सो अभी कोशिश है हमारी भी ग्रोथ करने की इस यूट्यूब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप सबका सपोर्ट चाहिए। और अभी वैसे मैं अपने बैकग्राउंड बताना चाहूंगा तो मैं हूँ एक गारमेंट लाइन से एंड बिजनेस मैन। सो भैया का यूट्यूब चैनल आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, होपफुली आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है और बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के साथ भैया का उठना बैठना है, तो आप जरूर जाके फॉलो करिएगा, आपको मजा आएगा। और भैया को वैसे मैक्सिमम लोग जो बाइकिंग कम्युनिटी से वो जान भी गए होंगे क्योंकि काफी सारी वीडियोस में भैया आ भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ बिली जी, टेक केयर, टेक केयर।